नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने टेक्निकल चैनल जिसका नाम है एंड्रो अंकरो जी। और फाइनली दोस्तों, यहाँ पर पिक्सल प्लस यूआई 2.0 का जो है वीडियो यहाँ पर फाइनली हम लेके आ चुका है, जिसका यहाँ पर इन्होंने जो टैगलाइन रखी है योर रिक्वायरमेंट आवर गोल्स। तो यही कुछ यहाँ पर देखो हमको मिल जाता है इसका फर्स्ट इंप्रेशन। ये वॉलपेपर इसके अंदर लगाया है था, मैंने कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं किया है। डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले बता दूँ दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड किया है यहाँ पर wrapcard.com ने, जो कि काफ़ी बढ़िया स्किन्स यहाँ पर जो है बनाते हैं, काफ़ी कूल लगती है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स की स्किन्स भी यहाँ पर बनाते हैं। इन फ्यूचर इनका शायद क्या कहते हैं उसका लैपटॉप वगैरह का भी जो प्लान है यहाँ पर बनाने का, लैपटॉप वगैरह की स्किन्स वगैरह जो होती है। लेकिन काफ़ी कमाल की जो स्किन्स होती है इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, चाहे चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। पीछे की लाइट ख़राब हो रही है, एलईडी लाइट, जस्ट इग्नोर दैट कि मतलब सब कुछ ख़राब हो रहा है, क्या करें, कोई बात नहीं। लेकिन आपके लिए वीडियो ज़रूर आते रहेंगे, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर जो है यहाँ पर मेरे को इंप्रेस करती है एक चीज़, इसके अंदर जो आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो किसी किसी यूआई के अंदर आजकल देखने को मिल गया है। लगभग अब तो हर कोई इंप्लीमेंट कर रहा है इसको, इस वाले कस्टम रोम को। तो देख सकते हैं इस वाले कस्टम रोम्स के अंदर ये वाले फीचर को, डॉल्बी ऑडियो वाले। तो एक्चुअली मोटो का कोई फीचर है, उसको यहाँ पर डेवलप किया गया और यहाँ पर इसके लिए डेवलप किया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर चलता हूँ, आपको थोड़ी डिटेल्स यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर पिक्सल प्लस यूआई है, ऑफिशियल हो चुकी है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये है निकल के आती है, यहाँ पर अगस्त के अंदर पैचेज देखने को मिल जाते हैं 5 अगस्त के, यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेज देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही में यहाँ पर जुलाई के जो है यहाँ पर प्ले सिस्टम अपडेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है अपडेट करने पर। और यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कैरनल कौन सी यूज़ की गई है, जो आपका मन पसंदीदा कैरनल है उसी का यहाँ पर यूज़ किया गया है, यानी हार्ड रॉक कैरनल 8.3। मतलब आप जाके इसको अपडेट भी कर सकते हैं, इसका 0.9 का जो वर्जन वो भी आ चुका है, जिसका आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। फ्लैश करना है जस्ट आपको, इसके फ्लैशिंग भी हम सीख लेंगे इसी वीडियो के अंदर, कोई भी टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बिल्ड नंबर वगैरह भी आप सारी चीज़ चेकआउट कर सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया से जो काम भी यहाँ पर कर रही है। वाईफाई की मदद से मैंने इसको यूज़ किया, काफ़ी बढ़िया है। और सुबह से यूज़ कर रहा था तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो 92% बैटरी है, जिसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं किया, सिर्फ इसके स्पेक्स वगैरह को देखा है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर नहीं निकल के आती है, क्योंकि उस टाइम ये अनऑफिशियल था जब मैंने इसका वीडियो बनाया था। पिक्सल प्लस यूआई के आने के बाद जब ये ऑफिशियल हुआ है तो इसके ऊपर वीडियो बनाना तो बनता ही था यार, तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं, इस वजह से भी वीडियो आया है आपके लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल आपको स्टॉक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको गूगल फोटोज देखने को मिल जाता है, क्रोम देखने को मिल जाता है इसके अंदर इनबिल्ट, जो काफ़ी हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। कोई चाइनीज यहाँ पर ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर पिक्सल प्लस का जो वॉलपेपर वाला जो होता है पेपर्स वाला ऐप, वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी आपके वॉलपेपर के लिए, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टाइल एंड वॉलपेपर का भी जो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप लाइव वॉलपेपर वगैरह भी जो है सेट यहाँ पर कर पाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा माई वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, थोड़े बहुत वॉलपेपर इसके अंदर पिक्सल्स के यहाँ पर साइड वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। उसके बाद यहाँ पर क्लॉक सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर क्लॉक्स के अंदर जो है हमको काफ़ी सारी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है स्किन्स, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो है अलग अलग तरीके का वन प्लस का और पता नहीं किस किस का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर ये क्लॉक सेटिंग्स। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मुझे ये लगा है। इसके बाद यहाँ पर स्टाइल के अंदर चलते तो स्टाइल तो यार आपको पता ही है क्या चीज़ है, तो यहाँ पर एक बार ये वाला स्टाइल में सेट करके दिखा देते हैं। ये प्री मतलब पहले से ही है इसके अंदर, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लग रहा है यहाँ पर, और ये लाइव है जैसे कि आप देख सकते हैं ये हिल रहा है, पता नहीं कैसा है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग देखने को मिलती है, और ऊपर की तरफ ये कुछ एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। और यही आप देख सकते हैं यहाँ पर आइकन भी काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं, ये भी थीम की वजह से जो है चेंज हो गए हैं आइकन वगैरह, जिनका आप अपने हिसाब से जो है चेंज यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन ये वाला जो आप एनिमेशन वाला सबके अंदर आ चुका है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई। लेकिन हाँ, इसके अंदर थोड़े आइकन्स वगैरह जो आपको चेंज देखने को मिल जाता है, एनिमेशन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाता है, कुछ अपने यूनिक आइकन्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पर द पिक्सलाइजर नाम का एक जो है ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो है यहाँ पर सेटिंग्स देता है आपके स्टेटस बार को सेटिंग करने के लिए, यहाँ पर आपके 4G आइकन को या हटाने के लिए वोल्टी के आइकन को, उसके अलावा यहाँ पर गेमिंग मोड हो गया, और यहाँ पर काफ़ी सारे नोटिफिकेशन जो हेडर आता है वो आर स्टाइल का हो, यानी जो हमारे नेक्स्ट वर्जन आने वाला है उस स्टाइल में हो या नहीं हो, तो यहाँ पर ऑन कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसके आप देख ही सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ और भी जो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इन्वर्ट लेआउट का ऑप्शन
देखने को मिल जाता है यहाँ पर, डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर, डबल टैप टू स्लीप ऑन स्टेटस बार का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारी जो है सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है, वाइब्रेट की सेटिंग भी जो है यहाँ पर, इन कॉल जो वाइब्रेट सेटिंग्स होते हैं उनको भी आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं सेटिंग। मतलब मान लीजिए आपका कोई कॉल कनेक्ट हो रहा है तो वाइब्रेट हो, कॉल वेटिंग में गया तो वाइब्रेट हो, डिस्कनेक्ट करे तो वाइब्रेट हो, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, कन्वीनियंट रहता है। कुछ कुछ लोग यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं कि वो जब यहाँ पर अपने कान के अंदर जो है फ़ोन लगाना जल्दी से प्रेफर नहीं करते, जैसे ही वाइब्रेट होएगा भाई जब भी लगा लो, सबसे बढ़िया ही तो यही रहता है। इसके बाद बात करते हैं बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में खोल के दिखा देते हैं। इसके अंदर एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि पॉपअप जो नोटिफिकेशन होते हैं हेड्सअप जो इतने बड़े आ जाते हैं यहाँ पर, वो आने चाहिए कि नहीं, इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको वोल्टी आइकन भी अलग अलग देखने को मिलते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो वो वाला बेस्ट है जो इसके ऊपर यहाँ पर देखो आपको बेसिकली मिल रहा है, वही काफ़ी अच्छा है, कोई भी आपको दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ट्रैफिक इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपकी जो है नेटवर्क की जो इंटरनेट की स्पीड है उसको यहाँ पर ये शो कर देगा। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, थम्स अप, बढ़िया काम किया गया पिक्सल एक्सपीरियंस, सॉरी पिक्सल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ यहाँ पर, पिक्सल प्लस यूआई के अंदर। यहाँ पर बाकी चीज़ की बात करते हैं तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया के अंदर, आपको कुछ इस तरीके देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बैटरी के अंदर आपको ये वाला आइकन जो है यहाँ पर हमको ब्लिस ओएस में मेरे को देखने को मिला था, शायद फर्स्ट टाइम मैंने ब्लिस ओएस के अंदर ही देखा था, अब यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले के लिए ये चीज़ आ गई है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टोरेज की एक बार बात करते हैं तो स्टोरेज के अंदर हमको कोई भी ऐसा कोई एनिमेशन देखने को मिलता है, साउंड के अंदर हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया मुझे ये लगा है। आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। चलते हैं अगर नेक्स्ट चीज़ की बात करते तो प्राइवेसी हो गई, यहाँ पर प्राइवेसी को भी कुछ अलग तरीके से एनिमेशन अलग है इसके अंदर, वही वाले पुराने वाले नहीं है, ये वाला आपको सेम देखने को मिलता है, आई थिंक ये वाला बिल्कुल सेम है, इसके अंदर कोई भी आप चेंज देखने को मिलता है, अकाउंट्स वाला भी सेम देखने को मिलता है। तो आइए चेकआउट कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है फेस अनलॉक यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। जहाँ तक आपने देख लिया होगा बाहर जो है ऑलरेडी फेस अनलॉक लिखा है, तो इसके अंदर आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, जिसको आप जो है सेटअप यहाँ पर बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ फटाफट से अपना, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर काफ़ी ईजिली जो अपना फेस यहाँ पर डिटेक्ट कर पाएंगे। और मेरे बाल कैसे तैसे रखे हैं, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बाईपास कर लेगा शायद ये डायरेक्टली, तो देख सकते हैं आप कितना ही जो है ईजिली खुल जा रहा है, तो काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत हमको इसके अंदर भी देखने को नहीं मिल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो दोस्तों पसंद आया होगा। बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर जो आप चेकआउट कर सकते हैं, एंड्रॉइड 10 के जेस्टर्स हो गए, बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड 10 के जेस्टर्स आए थे यहाँ पर, ये छोटी मोटी चीज़ हो गई कि यहाँ पर आप जेस्टर्स को जो है यहाँ पर जो इसके जो ये बोलते हैं इसको इस बार बार को जो आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला, जेस्टर्स को भी आप नो पिल कर दीजिए और यहाँ पर कंप्लीटली आपका हाइड हो जाएगा, ये छोटा जो पिल दिख रहा है ना ये भी हाइड हो जाएगा, अभी हुआ नहीं पता नहीं क्यों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नो पिल का ऑप्शन है लेकिन ये हुआ नहीं है, हो सकता है रीस्टार्ट करने के बाद हो जाए, कई बारी जो है यहाँ पर बग आ जाते हैं थोड़े बहुत, तो ये बग एक हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, देखो बैक वाले भी यहाँ पर आ ही रहे ना अभी भी, तो हो सकता है ये बग हो इसके अंदर, बाकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। यहाँ पर आप सिस्टम अपडेट भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया से जो काम करता है, आप यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल सेम है, मुझे यहाँ पर करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी, यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैं कुछ वीडियोस के लिंक डाल दूंगा जिसमें मैंने आपको कस्टम रोम को फ्लैश करना सिखाया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इसके बाद, जिसके अंदर मुझे आपको कैमरे के बारे में बताना था, मतलब अगले दिन कंटिन्यू कर रहा हूँ, उस दिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो कंटिन्यू कर पाया आगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कैमरे के बारे में बता देता हूँ, इसकी बैटरी के बारे में भी आपको बता देता हूँ, ज़्यादा मैंने इसको यूज़ नहीं किया, अगर मैंने अभी तक इसके अंदर कोई अलग से ऐप नहीं डाला है तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि इसके अंदर जो है हार्ड रॉक कर्नल है जो कि काफ़ी बढ़िया काम करता है और इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। तो इसकी बैटरी जो है आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, आप इसके अंदर जो है 1.0 का जो वर्जन आ चुका है, अभी ये 0.8.3 था इसके अंदर जो है यहाँ पर हार्ड रॉक कर्नल का 1.0 वाला वर्जन जो है लेटेस्ट यहाँ पर आ चुका है, जिसको आप जो है काफ़ी आराम से जो है फ्लैश कर पाएंगे, जिसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बात करते हैं एनएक्स कैमरे की, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो आपको 64 मेगापिक्सल का सपोर्ट देखने मिल जाता है, साथ में नाइट मोड हो गया यहाँ पर, स्टीकर अवतार हो गया, पैनोरामा मोड हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए यहाँ पर, व्लॉग हो गया यहाँ पर, स्लो मोशन, टाइमलेस और शॉर्ट वीडियोस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड हो गया, प्रो मोड हो गया, ऑडियो मोड हो गया, फोटो मोड हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर इनको जो है आप अपने होम स्क्रीन में अपने हिसाब से जो है सेट यहाँ पर कर पाते हैं। इस कैमरे की दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि ये दोस्तों बिल्कुल स्टॉक कैमरे से जो है रिलेट करता है, यहाँ पर मैक्रो कैमरा शॉर्ट वहाँ पर, मतलब आपको कंप्लीटली यहाँ पर आपको 2.06 इंटू मिल जाता है, इसके अलावा आपको यहाँ पर 1.1x
देखने को मिल जाता है, 2x देखने को मिल जाता है। तो ये देखने को मिल जाती है चीज़ें यहाँ पर। अल्ट्रा वाइड हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा अल्ट्रा वाइड, उसके बाद हो गया हमारा मेन सेंसर, उसके बाद ये हो गया हमारा 64 मेगापिक्सल वाला। यहाँ से आप 64 मेगापिक्सल वाला भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया से काम करता है। यहाँ पर ऊपर आपको 64 मेगापिक्सल लिखा जाता है, लेकिन नीचे आपको जो है 48 मेगापिक्सल लिखा आता है। इसकी कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ये नेक्स्ट कैमरा का ही जो है पोर्ट है, जो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर नाइट बोर्ड भी काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है दोस्तों। वो लोग कह रहे थे फ्रंट कैमरा यहाँ पर काम नहीं करता, लेकिन फ्रंट कैमरा भी मेरा काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत जो नहीं हो रही है। साथ ही में यहाँ पर वीडियो कैमरे में भी हमको जो ही चीज़ें जो है परफेक्टली वर्क करती है, हमें कोई भी यहाँ पर जो है दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली। उसके साथ ही यहाँ पर प्रो मोड के अंदर भी, जैसे कि आप स्टॉक के अंदर कर सकते हैं अल्ट्रा वाइड, यहाँ पर मैक्रो कैमरा या मेन कैमरे से जो शूट करना है आपको कर सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको मिल गया यूवी वाला, अल्ट्रा वाइड हो गया, ये वाइड हो गया, ये अल्ट्रा वाइड हो गया, ऐसा कुछ है, ठीक है, और यहाँ पर ये मैक्रो हो गया। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है काफ़ी इजीली। बट यहाँ पर जो आपको इसके अलावा भी, मतलब जो स्टॉक कैमरे के अंदर भी ऑप्शंस कुछ कुछ नहीं मिलते, वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में यार मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हो सारी चीज़ें जो आपके सामने ही हैं, तो देख सकते हैं। यहाँ पर एक मुझे यहाँ पर मिसिंग जो है यहाँ पर दिख रही है एक चीज़, जो कि यहाँ पर मूवी मोड। तो मूवी मोड में वीडियो शायद शूट हो जाते हैं स्टॉक कैमरे के अंदर, कि इसके अंदर जो हमको यहाँ पर वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे काफ़ी अजीब सी बात लगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई मूवी मोड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि काफ़ी अजीब बात है। तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें जो आपको यहाँ पर काफ़ी कमाल की जो देखने को मिल जाती है इस कैमरे के अंदर। बाकी कैमरा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कमाल का जो है ये चीज़ें देता है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिल रहा है आपको मूवी फ्रेम का ऑप्शन, तो यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। लेकिन मैंने बाकी शायद होता भी हो शायद नहीं भी होता, मेरे को यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर मूवी मोड को शूट कर सकते हैं, बाकी शूट कह रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी कहीं भी आपको ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता मूवी मोड। ANX कैमरा से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर आप ये कर सकते हो तो प्लीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, कि जैसे कि पोर्ट्रेट मोड में आपको देखने को मिल जाता है मूवी फ्रेम, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर जो है बाकी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा तो काफ़ी कमाल की बात है। यानी फोटो के अंदर भी और वीडियो के अंदर भी, हो सके तो प्रो मोड के अंदर भी दे दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। बाकी आप इसके अंदर रॉ मोड और मतलब काफ़ी सारे मतलब बाकी जो है सामग्री सेम जो है फीचर आप देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया जो है मुझे ये कैमरा लगा है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ANX कैमरे का भी जो है कंप्लीट ओवरऑल मैंने एक रिव्यू सा कर दिया यहाँ पर तो वो भी एक आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया से काम कर रही है। मुझे एक दिन हो गया इसको यूज़ करते करते, अभी बैटरी जो है यहाँ पर 35% आ गई है और मैंने इसको यूज़ नहीं किया। बात सारी ये है कि मैंने इसके अंदर कल मतलब जब से फ़ोन बूट हुआ है, जब से मैंने इसके अंदर जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो फीचर होता है उसको मैंने ऑन छोड़ दिया, और उसकी वजह से जैसे कि आप जानते ही हैं ये LCD पैनल है, तो आप यहाँ पर लगा लीजिए कि पूरा ही जो ऑन था। और जब मैंने देखा कि भाई साहब इसके अंदर जो है ये ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो उसके बाद जो मैंने उसको जाके ऑफ़ किया है, और ऑफ़ करने के बाद मुझे ये रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिले। तो अभी जो है कोई भी बैटरी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं 25 घंटे पहले मैंने इसको चार्ज किया था, जब मैंने इसको फ्लैश किया था उससे पहले ही, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन यूज़ में 30 मिनट का ही दिखा रहा है, क्योंकि भाई जैसे कि AOD वाला जो मोड होता है उसके अंदर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो मोड होता है उसको ये काउंट नहीं करता है। तो ये कुछ यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कि यहाँ पर बैटरी रिव्यू अगर इसका चाहिए यार तो मुझे एक बार ज़रूर से यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आपको PUBG रिव्यू इसके अंदर भी चाहिए तो मुझे ज़रूर से यहाँ पर बताना। बाकी अभी जो हमारा M2 Pro है उसका भी जो है यहाँ पर अनलॉक, बूटलोडर अनलॉक होने वाला है, तो उसके बाद जो उसका भी वीडियो यहाँ पर लेके आएंगे और बाकी चीज़ों का भी वीडियो यहाँ पर ज़रूर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसके लिए ऑलरेडी जो है यहाँ पर रोम जो है बनना शुरू हो चुकी है, यहाँ पर लीनियज OS हमको देखने को मिल जाती है इसके लिए। और साथ ही में जो है यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर मैं आपको फ्रंट कैमरा करके दिखा दूँ, यहाँ पर मैं जो शूट कर रहा हूँ वो भी M2 Pro से ही कर रहा हूँ। आई होप आपको इसकी क्वालिटी अच्छी लगी होगी, और यहाँ पर इसकी जो TWRP भी डेवलप हो चुकी है, रिकवरी जो है डेवलप हो चुकी है, पता नहीं कोई दूसरी रिकवरी है, जिसके बारे में आपको कंप्लीट रिव्यू मैं दे दूँगा। आई होप आपको ये वाला वीडियो जो है वो पसंद आया, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर से लाइक कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं।